आज हमने मेरे साथ हमारे जम्मू कश्मीर के होने वाले डिप्टी सीएम केवल पठानिया जी, हीरानगर के कम से कम भी आज हमने पूरे हीरानगर सेक्टर का दौरा किया, जिसमें हम कोटा भी गए, सुनवा गए, मड़ीन गए और गोबैया बॉर्डर तक हमने लोगों की जो समस्याएं सुनी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ये आज मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रेजेंट सरकार है इस पर एलजी साहब की, हम उसको यही दरखास्त करेंगे कि हमारे लोग बहुत से समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि 370 टूटेगा तो जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ जाएगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन वो जो वादे थे लगता नहीं कि अभी तक वो पूरे हुए हैं। हमने एक दो दिन में हमारा भी डेलीगेशन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एलजी साहब से मिलेगा, हमसे यही गुजारिश करेंगे, एक तो जो हमारे नौजवान हैं जिनको रोजगार नहीं है उनको नौकरियां देने की व्यवस्था की जाए तुरंत। जितनी देर सरकार नौकरी नहीं देती हमारे नौजवानों को, कम से कम उनको महीने का जो है माहवारी भत्ता दिया जाए, जो 10th पास है उसको 4,000 दिया जाए, जो बीए पास है उसको 5,000 दिया जाए, जो एमए है उसको 10,000 दिया जाए, जो भी गवर्नमेंट क्राइटेरिया फिक्स करें, लेकिन ये होना चाहिए। नौजवानों को हम उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि जहां जो भी गवर्नमेंट के काम हैं, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमने सभी साथियों ने मिलकर इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 करोड़ के काम करवाए। हमारी आदत नहीं कि लोगों को बताते फिरें हमने ये किया वो किया। कठुआ में ट्रांसपोर्ट नगर हमने सैंक्शन करवाया, नया डीसी जो है कम्प्लेक्स हमने सैंक्शन करवा रखा है, कितने तालाब हमने बनवा दिए। कठुआ में हमने जो हमारी माँ बहने जब भी किसी की डेथ हो जाती तो हमने वहां पे 4 घाट बनवाए कठुआ में। इसी तरह हमने हॉस्पिटल जो था उसको मॉडर्नाइजेशन करने का काम हमने किया था, कितने हमने ट्यूबवेल लगाए, करोड़ों रुपए की सड़कें जो 70 साल से वो बनी में कटली और वो लुवांग की सड़क नहीं बनी थी, हमने उस सड़क को बनवाया। मतलब हमने कम से कम भी 100 करोड़ के काम। लिगेड में आप जाएंगे तो वहां तालाब है पुराना, उन्हें 2 करोड़ का हमने वो तालाब को हमने वो कराया, लेकिन हमने कभी भी कठुआ की जनता को ये नहीं बताया, क्योंकि हम इस साथ से काम करते हैं इसे भूल जाते हैं, अपनी सेल्फ प्रेस करना हमारा फर्ज नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जब जो अब जो सिस्टम चल रहा है, छोटी सी नई प्लेट लगाते हैं पूरे दुनिया में ढंडोरा पीटते हैं कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, तो मैं ये सबसे कहूंगा कि चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, बीजेपी हो, सभी लीडर जो है लीडरान है जम्मू कश्मीर के, उनका एक ही फर्ज बनता है कि जो हमारी जनता है सभी उसकी सेवा में लगे, जनता के जो दुख दर्द है उसको दूर करें। और ये साथ में ये कहूंगा कि आज वक्त ऐसा आ चुका है कि सभी मामलों में मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन वाले हैं उनको सरकार लताड़ रही है, उनको सपोर्टियां नहीं मिल रही हैं, जो ये मैसेज जा रहा है कि रूलिंग पार्टी जो है सभी कुछ है, चाहे मकान हो, सरकारी गाड़ियां हो, पीएसओ हो, उन्हीं को मिलेंगे, तो बाकी जो है ये नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए, आज किसी की सरकार है कल किसी और की आ सकती है, मतलब तो लीडरों को भी चाहिए कि कम से कम भी ये जो मसला है तो सब अनदेखी नहीं किसी भी होनी चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है चाहे वो कोई भी हो, उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि लोगों का जो है लोक सेवा होनी चाहिए, अपने मफाद के लिए वो हम पॉलिटिक्स नहीं करते। आज मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सन 2000 से हम लोगों की सेवा में लगे हैं। पहले मैं इंडस्ट्री प्रधान रहा, हमने कितनी फैक्ट्री यहाँ लगाई और कितने हमने यहाँ डेवलपमेंट के काम कराए, हमने कभी लोगों को जताया नहीं इस बात के लिए भी कि हम ये करते हमने ये किया हमने वो किया, लेकिन यह आज वक्त आ चुका है कि सभी एकजुट होके जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, खास करके नौजवानों की, उसको यह सरकार एड्रेस करे। 370 टूट गई, हम मोदी जी के साथ हैं, 370 देश को तोड़ती थी, हम उसके इसके हक में नहीं है, लेकिन 370 तोड़ने के बाद आज जो लोगों को समस्याएं पेश आ रही हैं, जैसे टोल प्लाजा लग गया और जो है ये नहीं होना चाहिए। हमने आज अपना पॉलिटिकल मकसद शुरू कर दिया है, हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार जो है हमारे बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना जम्मू कश्मीर सरकार नहीं बनेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। और हम दिन रात लोगों की सेवा में लगेंगे, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि हमारी पार्टी का साथ दीजिए,
और ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए। हमने कश्मीर से इलेक्शन लड़ी, नंदा से इलेक्शन लड़ी, लोगों ने वहां भी साथ दिया, लेकिन कुछ साक्ष्य भी हमारे खिलाफ जो हम वहां से जीत नहीं सके। नहीं तो आज हम एमपी होते, हमारी पार्टी का एमपी होता और हम यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों की और सेवा कर सकते। लेकिन आगे वक्त आ रहा है, जब भी मैं लोगों से यही कटवा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ईमानदार लोगों को साथ दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर है, ईमानदार होना चाहिए, लोगों के हक में होना चाहिए।